पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओ बायो बाकी अपनी गांव की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आते हैं वहां पर उनका रास्ता जनरल अपने साथियों के साथ रोक लेता है। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं कि अब वो कहां पर जाएंगे, इसलिए वो सभी एक पत्थर के नीचे जाकर छुप जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद वो जनरल उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन वो जनरल ने उन्हें ढूंढ लिया होता है और उन्हें मारने उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हाओ बायो बाकियों को देखते हैं जो सभी चारों तरफ से जनरल और उसके साथियों से घिर गए होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो यहाँ से कैसे बचकर बाहर निकलेंगे। इसलिए वो सभी अपने अपने वेपन निकालना शुरू कर देते हैं ताकि वो उनसे फाइट कर सके, क्योंकि इसके अलावा उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ से बचकर जाने का। तब सबसे पहले जियांग अपनी चाकू लिए उस जनरल की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो अपने प्रेशर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और पिछले एपिसोड से जो उसने फार्ट रोक कर रखी थी इस एपिसोड में वो अपनी फार्ट कर देता है, जिस वजह से उसे बहुत अच्छा और सुकून मिलता है। लेकिन जैसे वो फार्ट कर रहा होता है जनरल उसे एक किक मार कर वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से जियान बच्चों की तरह वहां पे बैठ के चिल्लाना शुरू कर देता है कि मुझे तो चोट लग गई। लेकिन अब हाओ भाई अपनी स्वॉर्ड लिए सीधा उस जनरल से लड़ने के लिए चले जाता है, जहां उन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन हाओ भाई जितना भी अटैक उस जनरल पे करता उसका एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं लग रहा होता है, और फिर वो जनरल अपनी स्वॉर्ड लेकर काफी खतरनाक अटैक हाओ भाई पे किए जा रहा होता है, इसलिए वो वहां से साइड हट जाता है। तो वहीं आयची भी उन सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देती है। तभी हाओ भाई के जूते के अंदर से वो डॉल बाहर निकल कर आती है, जिस डॉल वाले कार्ड को हाओ भाई ने फेंक दिया था, और वो आते साथ ही सीधा हाओ भाई के मुंह के ऊपर चिपक जाती है, जिस वजह से उस डॉल की सारी पावर्स अब हाओ भाई के अंदर आ चुकी थी, और उन पावर की मदद से इतना खतरनाक अटैक उस जनरल पे कर देता है कि वो जनरल वहां से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर हाओ भाई खुद भी हैरान था कि अरे अचानक से मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर्स कैसे आ गई, इसे तो मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है। जिसके बाद वो दोबारा से उस डॉल के कंट्रोल में होते हुए उस जनरल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर जियान उससे कहता है अरे वाह हाओ भाई तुम तो सच में कमाल के हो, जिस पर हाओ भाई डायलॉग मारते हुए कहता है तेरे भाई के जैसा तो कोई हार्ड ही नहीं है। जिसके बाद वो दोबारा से उस जनरल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस चीज से वो जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, और वो अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा हाओ भाई का गला ही दबाना शुरू कर देता है, जहां अब हाओ भाई खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। और फिर वो जनरल उस डॉल को भी उठाकर वहां से दूर फेंक देता है, और अब डॉल के ना होने की वजह से हाओ भाई बिल्कुल कमजोर हो जाता है। जिसके बाद जनरल उसका गला दबाते हुए उसके मुंह से उस ड्रैगन पिल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तब ये देखकर जियांग उसे बचाने आ रहा होता है, लेकिन तभी कुछ सिपाही आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। साथ ही आयची भी चारों तरफ से सिपाहियों से घिर गई होती है। तब अपने दोस्त को खतरे में देखकर हाओ भाई का खुद की बॉडी से कंट्रोल खत्म होने लगता है, और वो ड्रैगन उसकी बॉडी पर हावी हो रहा था ताकि वो बाहर निकलकर इस जनरल को यहीं पर सबक सिखा सके। दूसरी तरफ क्वीन के महल के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास एक सर्वेंट खाना लेकर आता है, लेकिन तब वो आदमी उससे कहता है क्या तुम नए आए हो यहाँ पर, तुम्हें मालूम नहीं है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तब मुझे कोई आकर डिस्टर्ब करे तो उससे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब ये सुनकर वो सर्वेंट उससे माफी मांगने लगता है कि मैं नया यहाँ पर आया हूँ, मैं इसके बारे में नहीं जानता था, इसलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन तब उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपना वेपन लिए उस सर्वेंट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ वो सर्वेंट उससे माफी मांग रहा होता है, लेकिन वो निर्दय आदमी नहीं सुनता और मार मार कर उस सर्वेंट की वहीं पर हत्या कर देता है। तभी वहां पर वो कौवा आता है जिसे क्वीन ने खबर लेने के लिए भेजा था उस ड्रैगन की। तब वो कौवा आकर उस आदमी को एक नोट देता है जिसमें लिखा हुआ था कि हमें हाओ भाई मिल चुका है और हम उसके अंदर से उस ड्रैगन पिल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अब मुझे वो ड्रैगन पिल मिल जाएगा, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है तैयारी कर लो हम अभी यहाँ से निकलेंगे, जिस पर उसके साथी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो अपने साथियों के साथ वहां से हाओ भाई को पकड़ने के लिए निकल जाता है ताकि उससे वो ड्रैगन पिल ले सके। इधर हम हाओ भाई को देखते हैं जिसने अपनी बॉडी के ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया था, और अब उसके अंदर उस ड्रैगन की पावर्स बाहर निकल कर आ जाती है, जो आते साथ ही इतना खतरनाक अटैक उस जनरल पे कर देती है कि वो जनरल वहां से बहुत दूर जाकर उड़ जाता है। साथ ही जमीन से इतने नुकीले पत्थर निकलने लगते हैं कि वो उस जनरल के सारे साथियों को बस एक सेकंड के अंदर ही खत्म कर डालते हैं। जिसके बाद हाओ भाई पूरे गुस्से के साथ उस जनरल के पास आता है और एक खतरनाक स्पिरिट बॉल उसके अंदर ही घुसा देता है, जिस स्पिरिट बॉल के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स
थी कि वो अपनी पावर्स को बाहर निकालते हुए पूरी की पूरी तरह से उस जनरल को राख में बदल देता है, जिस वजह से वो जनरल वहीं पे मारा जाता है। लेकिन अब वो जनरल की आंख कहीं हो सकता है दोबारा दूसरे के अंदर चले जाए, जिस वजह से उस जनरल की सारी डिमोनिक पावर अब जिसके अंदर वो आंख गई होगी उसके अंदर भी जा सकती है। तब ये पावर्स देखकर आइची एकदम हैरान रह जाती है कि हाओ बाई के पास तो सच में कितनी ज्यादा पावर्स है, जिस वजह से वो खुश भी होती है। ये देखकर हाओ बाई भी खुश हो जाता है कि आइची के सामने तो मेरी कितनी अच्छी तारीफ हो गई। साथ ही उसने अब अपने ड्रैगन की पावर को थोड़ा कंट्रोल भी कर लिया था। इधर हम शियाओ को देखते हैं जो अब भी उस व्हाइट मॉन्स्टर के पीछे पड़ा होता है, जिसका पीछा करते हुए वो जंगल के काफी बीच आ जाता है। तब वो व्हाइट मॉन्स्टर उससे कहता है, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जिस पर शियाओ कहता है, तुम ही मुझे भगाकर इतने दूर तक लेकर आ गए, मैं तो कब से तुम्हें पकड़ लिया होता, लेकिन तुम्हारे भागने की वजह से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। इसके बाद मौका देखकर वो अपनी सील की मदद से उस व्हाइट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे वो सील उसे लगती है, उस व्हाइट मॉन्स्टर को तो अब भी कुछ नहीं होता, वो आसानी से वहां से निकल जाता है। ये देखकर शियाओ भी एकदम हैरान था कि आखिर मेरी सील का तो इसके ऊपर जरा बराबर भी असर नहीं हुआ, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। तब वो मॉन्स्टर हंसते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ और तुम्हारी सारी टेक्निक से भी वाकिफ हूँ, इसलिए तुम्हारी किसी भी टेक्निक का मेरे ऊपर उतना असर नहीं होगा। जो सुनकर शियाओ हैरान रह जाता है कि आखिर ये है कौन जो मुझे इतनी अच्छे से जानता है। तब वो मॉन्स्टर उससे कहता है, तुम लगता है मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा काफी अच्छा साथी हुआ करता था आज से हजारों साल पहले। ये सारी चीजें सुनकर शियाओ तो अब भी हैरान हो रहा होता है, क्योंकि वो खुद उस व्हाइट मॉन्स्टर को नहीं जानता था और वो उसके बारे में काफी कुछ जानता है। इसलिए वो दोबारा से उस व्हाइट मॉन्स्टर के पीछे पड़ जाता है ताकि सारी चीजों का पता लगा सके कि आखिर ये व्हाइट मॉन्स्टर है कौन और वो इसके बारे में इतना क्यों जानता है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं जो उस जगह पर आया होता है जहाँ कुछ देर पहले ही हाओ बाई ने उस जनरल को खत्म किया था। तब वहाँ पर आने के बाद सारी चीजों को देखकर यंग मास्टर हैरान रह जाता है और वो समझ भी जाता है कि यहाँ पर जरूर हाओ बाई आया था, जिसने अपनी पावर की मदद से इस नोकीले पत्थरों को निकाला और उस वजह से यहाँ पर इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन ये पत्थर अभी नए निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि हाओ बाई यहाँ से आसपास ही होगा, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर हम अभी उसके पीछे निकले तो हो सकता है जल्दी उसे पकड़ भी लेंगे, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ हाओ बाई के पीछे जाने के लिए निकल जाता है। इधर हम हाओ बाई और बाकियों को देखते हैं जहाँ हाओ बाई ने अपने एक हाथ के ऊपर ही जियांग को बैठाया होता है और वो उसे लेकर भाग रहा होता है। जहाँ ये देखकर तो जियांग की हालत एकदम खराब थी कि कहीं हाओ बाई उसे गिरा ना दे, लेकिन तब हाओ बाई उसे पूछ रहा होता है, क्या तुम मानते हो कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ? जिस पर जियांग हाँ में जवाब देता है। लेकिन हाओ बाई अब भी नहीं रुकता, वो उसे और भी कई सारे सवाल किए जा रहा होता है कि बताओ मुझे कि मैं पहाड़ जितना पावरफुल हूँ या किसी और चीज के जितना, मेरे सामने कोई टिक भी पाएगा या फिर नहीं, इन सभी चीजों का मुझे आज तुम्हें जवाब चाहिए। लेकिन जियांग तो एकदम ज्यादा डर रहा होता है, वो उसके सारे बातों पर बस हाँ किए जा रहा होता है ताकि हाओ बाई उसे छोड़ दे, वरना एक बार वो वहां से गिरा तो उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। लेकिन तब हाओ बाई कहता है, अरे तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, बल्कि मैं तो तुम्हें अपने हाथों के ऊपर उठाकर यहाँ से ले जाता हूँ, तुम्हें तो चलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद वो फुटबॉल की तरह उसे उड़ाते हुए वहां से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर आइची भी हंसने लगती है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।